उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक व्यक्ति ने जांच के बहाने शराब की दुकान पर बैठे दुकानदार को आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर बताकर दुकान में रखी नकदी सहित शराब को जब्त कर लिया। वहीं इस बात पर दुकानदार को शक हुआ और इसकी सूचना दुकानदार ने पुलिस को दी। जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला लखनऊ के थाना सरोजिनी नगर इलाके में स्थित देशी शराब की दुकान का है। शराब की दुकान में पहुंचकर एक व्यक्ति ने खुद को आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर बताते हुए दुकान के रजिस्टर को चेक करना शुरू कर दिया और उसके साथ ही एक अन्य व्यक्ति ने गल्ले में रखे 10,000 की नकदी और दुकान से शराब की 5 बोतलें जबरन छीन ली। इसके बाद दुकान के सेल्समैन ने मामले की जानकारी दुकान के मालिक को दी। वहीं मौके पर पहुंचे दुकान मालिक ने आरोपी को दबोच लिया। मामला बिगड़ता देख उसका दूसरा साथी मौके से भाग निकलने में कामयाब रहा। पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। आबकारी विभाग में कांस्टेबल हैं प्रदीप तिवारी, जिनकी पोस्टिंग जौनपुर में है। आज उनके द्वारा एक ठेका था देसी शराब का गौरी बाजार में, वहाँ जा कर के 10,000 रुपया लिया गया उनसे। उसके बाद सेल्समैन जो अजीत यादव है उसने अपनी तहरीर दिया कि इन्होंने हमसे 10,000 रुपया ज़बरदस्ती ले लिया। इस आधार पर उस पर मुकदमा पंजीकृत करा करके उनको हिरासत में लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ अंकुश पाल, जनमत न्यूज़।